फाइनली आज मैं आपको अपने हस्बैंड का फेस रिवील कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज जुमा है, सब बच्चे फ्रेश हो गए हैं, सब ने नमाज भी पढ़ ली है और आज मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी है, तो मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ शाम के खाने के कुछ सामान लेने। फ्राइज बना रही हूँ, तो फ्राइज बनाने के लिए मैंने आलू के पहले फ्राइज कर लिए और अब इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाऊंगी। अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर लगा के इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे अच्छी तरह हो गए फ्राई, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राइज हमारे बन गए और इशार करती है सबसे पहले मुझे दे दो इशार। ये लो खड़ी चिप्स खड़ी, चलो फिर उधर बैठो मैं आपको देती हूँ। प्लेट मुझे दे दो, गिरने से प्लेट पकड़ो मेरी किरण, पापा को दो। केचप चाहिए, अच्छा आपको देती हूँ। ये लो हम ज़ैनब इशार को केचप चाहिए, चलो। आज शाम के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया, इसको अच्छी तरह से धो लिया, एक पाव दही लिए, चार से पांच अदर टमाटर लिए, तीन से चार अदर प्याज लिए, इसको स्लाइस कर लिया, दो अदर लीमू लिए, दो से तीन अदर सब्ज मिर्चे, अदरक और लहसुन लिया और लाल मिर्च पाउडर लिया, नमक लिया हसबे जायका और हल्दी ली है और सफ़ेद मिर्च ली है और कुटी हुई लाल मिर्च ली और गरम मसाला लिया। हम दो से ढाई चम्मच ऑयल लेंगे, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को फ्राई करना है। फ्राई हो रही है तो जब तक मैं टमाटर काट देती हूँ, हाँ
ये प्याज हमारे फ्राई हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये प्याज सारे फ्राई करके मैंने बाहर निकाल लिए। अब ये घी में ये सबसे पहले चिकन डालेंगे। चिकन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया, अब हम इसमें दही डाल देंगे। ये टमाटर प्याज अदरक और लहसुन को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा चिकन और दही पक रहे हैं। जब तक चिकन दही का पानी खुश्क नहीं होता हमने इसको पकाते रहना। ये हमारा चिकन और दही फ्राई हो गए अच्छी तरह। अब हम इसमें टमाटर और प्याज जो हमें ग्राइंड की थी उसको भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो देखते चिकन पक गया कि नहीं। चिकन हमारा अच्छी तरह से भून गया और सारा पानी भी खुश्क हो गया। हमारा घी बाहर आ गया, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो फाइनली हमारा चिकन कढ़ाई रेडी हो गया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। शाल हैंड वॉश कर लिए है? जैनब आपने जो ये हमारा चिकन कढ़ाई रेडी हो गया। बच्चों को तो बहुत भूख लग रही है, बच्चे खा के बताएंगे कि कैसा बना। भूख लगी जी? जैनब आपको जी, किरण आपको लगी होगी। चलो हमने सबको एक एक रोटी निकाल के दो। ये लो किरण, ये लो जैनब, ये लो हमना, पापा का भी 2 रोटी निकाल के निकलो। आ जाओ चलो विशाल, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ो। खाना खाने से पहले जी अभी मिले हो। चलो सब सारन बहुत अच्छा जाना। आपको बहुत टेस्टी।
किरण अच्छा मजेदार बहुत अच्छा आम ना जबरदस्त इकरा कैसा बना सारन बहुत अच्छा सब बच्चों ने खाना खा लिया इशाल खाना खा लिया जी पेट फुल हो गया सब बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलो किरण बर्तन उठाओ काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड वीडियो में नज़र नहीं आते तो फाइनली आज मैं आपको अपने हस्बैंड का फेस रिवील कर रही हूँ तो ये है मेरे हस्बैंड अस्सलामुअलैकुम कैसे हो प्यारे व्यूअर्स तो आज मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि इनको मेरी बनाई हुई कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो जी बताए आपको मेरी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ठीक आप हर चीज़ ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनाती हैं कोई एक बताएं कोई एक बताए खाना आज जो खाना बनाया था बहुत ही अच्छा था क्या बनाया था चिकन कढ़ाई तो उसके अलावा माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो इसी के साथ ही फिर मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ तो अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़